मैं हूं देवांजलि मोहित्रा। टीवी की दुनिया के स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अब्बास मस्तान की किस किस को प्यार करूं के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई थी, जिसके बाद कपिल शर्मा अपने बैनर तले फिल्म फिरंगी लेकर आए थे, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद कपिल ने टीवी की दुनिया में ही अपने पैर जमाए रखने का फैसला किया और द कपिल शर्मा शो का नया सीजन लेकर दर्शकों के बीच आ गए, जिसके प्रोड्यूसर सलमान खान हैं। भाईजान ने कपिल के बुरे वक्त पर उनका साथ दिया और टीवी पर उनका धमाकेदार कमबैक करवाया। वहीं अब बॉलीवुड के गलियारों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कपिल सलमान की नई फिल्म शेर खान में नजर आने वाले हैं। दरअसल सलमान खान अपने छोटे भाई सोहेल खान की फिल्म शेर खान को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो काफी सालों से अटकी पड़ी है। जब सोहेल और सलमान ने इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग की थी, तब इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसके चलते खान ब्रदर्स ने इसे ना करने का फैसला किया था। हालांकि अब स्क्रिप्ट तैयार है, वो भी जैसी खान ब्रदर्स चाहते थे। वहीं अब जब सलमान खान शेर खान शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये साफ है कि इसमें कपिल शर्मा भी दिखाई दे सकते हैं। असल में जिस समय सोहेल खान कॉमेडी सर्कस नाम का कॉमेडी शो जज करते थे, तब उन्होंने कपिल से ये वादा किया था कि वो उन्हें अपनी नई फिल्म शेर खान में लेंगे। वही सुनने में आ रहा है कि सलमान भी कपिल के इस फिल्म में आने से काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सलमान टीवी के बाद फिल्मों में भी कपिल की नैया पार लगाने वाले हैं। वैसे आप कपिल को सलमान के साथ फिल्म शेर खान में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। Thank you.
Good evening. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई थिंक ऑल आर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर सीइंग द फिल्म टुडे एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर अस वन विद अ लॉट ऑफ लव अ लॉट ऑफ वर्क अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क पुट इनटू दिस फिल्म एंड नाउ वी आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग दैट द रिस्पॉन्स इज ग्रेट एंड दैट द फिल्म लिव्स अप टू ऑल द एक्सपेक्टेशंस दैट द ऑडियंस हैव फ्रॉम इट एक्चुअली वो ईद है कल इसलिए वो यू नो मतलब सबका चांद मुबारक अभी आज सो टुडे इट्स एक्चुअली अ स्क्रीनिंग फॉर एवरीवन नॉर्मली द स्क्रीनिंग्स आर ईदर हेल्ड इन अ स्मॉलर प्लेस बट बिकॉज देयर सो मेनी वेल विशेस एंड फ्रेंड्स एसोसिएटेड विद द फिल्म वी जस्ट वांटेड अ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ अ लार्जर प्लेस टू शो द फिल्म सो इट्स एक्चुअली जस्ट अ स्क्रीनिंग फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीवन इज इन अ सेलिब्रेटरी मूड एंड हैप्पी टू एंड एक्साइटेड फॉर एवरीवन्स रिस्पॉन्स